एलपी वैकेंसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है कि आपका जो लिंक प्रोवाइड करना था 10 दिनों के लिए कि आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं, उसका लिंक आ गया है। अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिस आई हुई है वेबसाइट पे, उस पर आप देख सकते हैं इतना इंग्लिश लिखने का मतलब ये है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं जिनका कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिनका भी एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए ये मौका दे रहे हैं कि आप अपना जोन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट दिया गया है 29/7/2024 से लेके आप 7/8/2024 तक आप अपना जोन जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो फेल हो जाएंगे जोन चेंज करने में उनका दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इतना दिनों के अंदर यानी कि 29 से 7 के बीच आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इग्नोर कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो पहले का जोन है वही जोन रहेगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर आपका जोन चेंज करनी चाहिए, चूँकि RRB आपके जो बिलासपुर है वहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।